नमस्कार, मेरे जमुनाई राशि के मित्रों, स्वागत है आपका आनंद शर्मा एस्ट्रोलॉजी टीम में। और मैं लेके आया हूँ आपके लिए आपकी राशि मंथ ऑफ मई 2018 कैसा रहेगा। ये महीना आप लोगों के लिए, हर महीने आपका इंतजार रहता है राशियों का, तो मैं उसी की एक लड़ी लेकर आपके सामने फिर से पेश हो रहा हूँ कि जमुनाई राशि आप ग्रहों का प्रभाव कैसे लाभ होगा और कैसे हानि होगी और कैसे अपने आप को बचाना है, इस सब चीज़ों के ऊपर चर्चा करूँगा। लेकिन साथ ही साथ कहना चाहूँगा, आप मुझे फेसबुक के माध्यम से ज्वाइन इन कर सकते हैं, जिसपे मैं हर बुधवार रात 8:30 से 9:30 यूके टाइम के हिसाब से लाइव होता हूं और जन्म कुंडली से जुड़े हुए मसलों के ऊपर बात करता हूं। आपका कोई भी सवाल हो जन्म कुंडली के माध्यम से जानकारी लेना चाहते हैं तो मुझे फेसबुक पर ज्वाइन करना ना भूलें, हर बुधवार रात 8:30 से 9:30 यूके टाइम के हिसाब से। तो अब मैं बात करूँ आपकी राशि के बारे में कि मंथ ऑफ मे जो शुरुआत होगी उसकी, उस समय ग्रहों की स्थिति कैसी रहेगी। निश्चित तौर पे आप इस बारे में अवेयर रहते हैं, क्योंकि आप पढ़ते रहते हैं साइन न्यूज़पेपर में, कहीं ना किसी चैनल पे यूट्यूब के माध्यम से आपको सारी जानकारी मिल ही जाती है। लेकिन मैं अलग तरीके से उसको देखने की कोशिश करता हूँ और आप तक पिछले कई सालों से जहाँ नेशनल टीवी के माध्यम से आपके सामने लाइव शो लेके आता हूँ, वहीं यूट्यूब के माध्यम से जानकारी देता हूँ, वहीं जन्म कुंडली ऐप भी है। तो अब मैं उस पर ऊपर अपडेट नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन वो मैं सबको चाहूँगा कि आप मुझे फेसबुक के माध्यम से ज्वाइन करें तो और अच्छा रहेगा, या फिर आप मेरे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, इससे आपको सारी जानकारी मिलेगी। तो कहने का मतलब ये है कि जेमिनी राशि की जो स्थितियाँ हैं, सबसे पहले हम हेल्थ की बात करें, क्योंकि हेल्थ बहुत जरूरी चीज़ होती है। तो आपकी राशि लॉर्ड बुध कमजोर नीच अवस्था में 10th हाउस में बैठे हुए हैं, वहीं शनि मंगल के साथ सप्तम भाव में है, जो आपकी राशि को आस्पेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ ये स्थितियाँ जो हैं उसको अगर हम देखें तो उनको समझने का एक नज़रिया, बृहस्पति भी आपकी राशि को जो है वो आस्पेक्ट कर रहे हैं, तो इसको हम समझने की कोशिश करें कि शनि वक्री हो चुके हैं, बुध नीचे अवस्था में है और मंगल महीने के शुरू में ही अष्टम भाव में केतु के साथ जा रहे हैं। तो ये दिखा रहा है हेल्थ से जुड़ी समस्याएं, उन लोगों को खासतौर पर ध्यान देना होगा जिनको आँखों की किसी तरह की कोई तकलीफ है, अचानक से कोई सर्जरी जो है आंखों की हो सकती है, उन लोगों को जिनको पेट में खास करके लोअर एब्डोमेन में किस तरह की शिकायत है आपको बहुत ध्यान देना होगा, जिनको कोलाइटिस सी प्रॉब्लम है, जो डायरिया कॉन्स्टिपेशन से स्ट्रगल कर रहे हैं उनको बहुत ध्यान देना होगा, जिस स्थितियां आपकी हेल्थ को ख़राब कर सकती हैं, और जिनका वजन बहुत बढ़ रहा है उनको विशेष तौर पर ध्यान देना होगा कि ये समय आप लोगों के लिए अच्छा नहीं है। वैसे मैंने जेमिनी राशि के लोग बहुत कम देखे हैं जिनका वजन बढ़ता है, लेकिन कई बार स्थितियाँ ऐसी बन जाती हैं जहाँ ग्रहों की दृष्टि ऐसी हो जाती है जिसमें एकदम वजन बढ़ने लगता है। तो जिनका वजन पहले से बढ़ा हुआ है, भाई आपको ध्यान देना होगा, ये महीना आपकी हेल्थ को लेके कुछ परेशानियाँ इस तरह की आपको दे सकता है। बाकी नॉर्मल जो स्थितियाँ होती हैं जैसे सीजनेबल बीमारियाँ, जैसे हे फीवर आ गया, गला खराब हो गया, या और सांस की प्रॉब्लम हो गई, ये सब चीज़ें हमें रहती हैं, तो जेमिनी राशि के लोग खासतौर पर इससे प्रभावित रहते हैं। थोड़ा सावधान रहना होगा, क्योंकि अभी मौसम में बहुत सारा बदलाव जो है वो हो रहा है, तो आपको थोड़ा सावधान इस समय के दौरान रहना चाहिए। बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाए तब भी ये आपके लिए हानिकारक हो सकती है। तो सेहत का ध्यान रखना इस समय बहुत जरूरी होगा। आपके कुटुंब रिश्तेदारों की, रिलेशनशिप की अगर मैं बात करूँ ऑल ओवर, तो सबसे पहले हम देखते हैं एक्सटेंडेड फैमिली में क्या स्थितियाँ रहेंगी। एक्सटेंडेड फैमिली में राहु की स्थिति, यानी कि राहु एक ऐसा सितारा है जो दिखाता है कि भाई मुझे तो करना है, बस करना है तो करना है, तो लोग आपसे लाभ के लिए जुड़ेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको लाभ नहीं होगा। ये संबंधों का सिलसिला गिव एंड टेक, एक हाथ दो एक हाथ लो की स्थिति बन जाएगी, तो इन रिश्तों में अब व्यापार ज़्यादा होगा, बस इसी हिसाब से आपको चलना होगा। अगर आप रिश्तों में गहराई में जाना चाहते हैं, आप सोचते हैं कि वो आपका बहुत अच्छा करने वाले हैं, तो मुझे लगता है कि कहीं आप धोखे में रह जाएंगे और फिर आपको पछताना पड़ेगा। तो रिश्तों की वैल्यू जैसा इंसान हो उसी हिसाब से आपको करनी पड़ेगी, अपनी अच्छाई को आपको बनाए रखना है, लेकिन इस अच्छाई से कोई आपका फायदा ले, आपको मूर्ख बना के चला जाए, ऐसा आपने नहीं करना है, क्योंकि आप संबंधों के मामले में वैसे भी आप लाभ, छोटे छोटे लाभ ही देखते हैं, क्योंकि आपकी एनर्जी ऐसी है, आप हमेशा नई चीज़ों को करने में प्राथमिकता देते हैं। तो निश्चित तौर पर मैं कहूँगा कि इन चीज़ों को अपने जीवन में ऐड कर लें इस समय के दौरान, इस महीने में खासतौर से, तो उस पर आपको लाभ मिलेगा। जब भाई बहनों की बात देखता हूँ तो उसमें मैं देखता हूँ कि भाई बहन आपका नुकसान कर सकते हैं, वो अपना लाभ पाने के लिए आपके नुकसान में डाल सकते हैं, आपके दोस्त मित्र भी आपसे लाभ लेने की मंशा से आपके साथ और ज़्यादा नज़दीकियाँ बढ़ाने की कोशिश कर सकते हैं। तो कुल मिला के ये कहूँगा कि आपसे उनको लाभ
हो या ना हो, लेकिन उनको आपसे जरूर लाभ होगा। ऐसी स्थितियां हैं और आपके खर्चे जो है इस बार किस चीज को लेके इसी उधेड़ बुन में चीजों को करने में लग सकते हैं, आपका टाइम जो है वो लग सकता है। तो एक स्थिति को समझकर ही आप इसमें आगे बढ़ेंगे तो निश्चित तौर पर आपको लाभ होगा, अन्यथा कहीं ना कहीं कोई स्थिति ऐसी बन जाएगी जो हानिकारक हो सकती है। बहन भाइयों की विदेश यात्राओं से जुड़े हुए काम भी बन सकते हैं, कोई उनको बिजनेस प्रपोजल, कोई ऐसी डील मिल सकती है जो आपके लिए अच्छी बात होगी, क्योंकि आपको एक सुकून होगा मेरे बहन भाई तरक्की कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो फिर आपसे कुछ मांग सकते हैं, उसके लिए भी आपको तैयार रहना पड़ेगा। अगर मैं मातृत्व घर की बात करूं तो माता घर यानी कि वो भी बुध का ही घर है आपकी कुंडली में, और उसमें जब मैं कुंडली को देखता हूं तो मैं ये समझ पा रहा हूं कि कहीं ना कहीं माता घर में जब मैं पहुंचता हूं तो ये दिखाता है कि जी हाँ, माता आपकी पेरेंट्स आपके आपका साथ देने के लिए तत्पर हैं, वो आपको ब्लेसिंग देना चाहते हैं, लेकिन वो थोड़ी जैसे होता ना कि बकरी दूध देती है लेकिन मैंगने डालती है, इस समय माता पिता भी कुछ ऐसा ही बर्ताव आपके साथ कर सकते हैं, उनकी कंडीशंस के हिसाब से आपको चलना पड़ सकता है। कोई बात नहीं है, अगर आपको ब्लेसिंग मिलती हो, आपके काम बनते हो, रिश्ते संभल जाए, माँ बाप के रिश्ते हमेशा संभाल कर रखने चाहिए, तो उसमें कई बार झुकना और अक्सर कर झुकना अच्छा होता है, उनकी ब्लेसिंग लेते रहिए। लेकिन इस समय के दौरान आपको ये ध्यान रखना है कि कुछ भी चीज़ें जो हैं, क्योंकि माँ बाप के लिए सभी बच्चे एक जैसे होते हैं और आपके भाई बहन आपके कंपटीशन में बैठे हुए हैं, अगर आप कोई चीज़ करने जा रहे हैं तो अगर आप उनको शेयर कर रहे हैं तो आपकी बात लीक हो जाएगी और उसका दूसरे लोग फ़ायदा उठा सकते हैं। तो आशीर्वाद तक ही बात रखें, उनकी नीड्स को पूरा करें, इससे ज़्यादा बातों को ना बढ़ाएं, तो इस समय में उसी में आपकी बढ़ोतरी रहेगी, उसी में आपका फ़ायदा रहेगा। संतान की बात करूं, मैंने बहुत बार कहा है कि आपकी संतान एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है और इस समय चंद्र और बृहस्पति संतान भाव में बैठे हुए हैं, उनको मैं देख पा रहा हूँ, तो इसमें और भी ज़्यादा मजबूती जो है वो आ गई है, और जब ये मजबूती आ जाती है तो यही दिखाती है कि संतान उत्तमता की ओर जा रही है, संतान प्राप्ति के योग बने हुए। आपके घर में इसी महीने में संतान का सुख आपको मिलने वाला है, नन्ही की लकारियां आपके घर में शोर मचाने वाली हैं, आपको पता चल जाएगा कि आप माँ बाप बनने वाले हैं, आपने कंसीव कर लिया है, आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो ये सारी स्थितियां कहीं ना कहीं आपके सामने खुशियां लेके आ रही हैं। बच्चों का जो नेचर है वो काफ़ी अप एंड डाउन का रहेगा, कुछ चंद्रमा की जो स्थिति है, लेकिन वो अच्छा परफॉर्म करेंगे, वो दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की की ओर आगे बढ़ने की भरपूर कोशिश करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। संतान से जुड़े मसले इस समय आपके लिए बहुत 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 बेहतरीन स्थिति में बने हुए हैं और इनका पूरा लाभ आपको मिलेगा। तो संतान की चिंताएं खास तौर से जहाँ पे देख रहा हूँ कि इस बार आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा कम हो चुकी हैं, जिसका आपको पूरा पूरा लाभ जो है वो मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर मैं बात करूँ आपके गृहस्थ जीवन की, सेवंथ हाउस जो सबसे जरूरी बन जाता है, तो मैं देख रहा हूँ सेवंथ हाउस की जो कंडीशन है उसमें प्रेम संबंध जो है वो बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, यानी कि आप रिलेशनशिप बनाने में, रिलेशनशिप में आगे बढ़ने में कामयाब हो जाएंगे, आप किसी लिविंग रिलेशनशिप को आगे स्टार्ट कर सकते, आपकी मैटर लाइफ में बहुत सारी जो आपसी कमियां थी पास में कहीं ना कहीं वो कम होती हुई दिखाई रही है, एक अच्छी बॉन्डिंग बनती हुई दिखाई दे रही है, शादी का योग दिखाई दे रहा है, और जैसे कहा कि ये समय आपके इस रिलेशनशिप को काफ़ी मजबूती दिखाई दे रहा है, तो घर में किसी का आना हो सकता है, किसी बहन भाई की, किसी की शादी का योग भी बना हुआ है, तो कुल मिला के ये रिलेशनशिप जहाँ आपके अपने संबंधों को दिखा रहे हैं, वही और फैमिली के मेंबर में कहीं ना कहीं एक अच्छा फ्लो दिखा रहे हैं। इन सब में आपको यही देखना है कि कोई आपका मिसयूज ना कर ले, कोई आपको अब्यूज़ करने की कोशिश ना करे, इस बात का आपने पूरा पूरा ध्यान देने की कोशिश करनी है। बात करूं आपके घर और गाड़ी के बारे में, इस सुख को क्या मिलेगा, क्या ये सुख मिलेगा, तो आपके फोर्थ हाउस में बुध, जैसे मैंने पहले ही कहा कि बुध की स्थिति है, और वहीं ये दिखा रहा है कि आप कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से आपको गाड़ी मिल जाए और आप गाड़ी खरीदने में कामयाब हो जाएंगे, ऐसा लग रहा है गाड़ी बदलने में आप कामयाब हो जाएंगे, ऐसी स्थितियां इस बार बनेंगी। अब ये आपके ऊपर पॉकेट मनी के ऊपर है, आपके रिसोर्सेज क्या हैं, आपके पास क्या ऐसे सोर्सेज हैं जिससे आप बड़ी चीज़ें खरीद सकते हैं, छोटी खरीद सकते हैं, तो जो भी आपका लेवल होगा उस हिसाब से आप अपने आप को ये दोपहिया वाहन का सुख देने में कामयाब हो जाएंगे। ये एक बहुत ही अच्छी स्थिति कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए बनी है और इसका आप पूरा पूरा लाभ लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं मैं कहूँगा घर की सुंदरता को बढ़ाने का शौक जो है इस बार आपको आएगा, क्योंकि कुछ लोग जैसे आ रहे हैं, आपको लगेगा कि अरे भाई ये अच्छी बात हुई है, तो कुछ ना कुछ नया किया जाए, तो निश्चित तौर पर घर के साजो सामान, घर के अंदर की चीज़ों को बनाने में
संवारने में आपका थोड़ा पैसा लगेगा, उसको भी आपको करना चाहिए, उसमें आपको लाभ की स्थितियाँ मिलेंगी। और ये स्थिति कहीं ना कहीं आपके लिए एक पॉजिटिव स्थिति दिखा रही है, यानी कि जहाँ ये स्थितियाँ दिखा रही हैं वहीं आपका एक्सपेंडिचर भी दिखा रही है। तो जॉब और बिजनेस और बाकी चीज़ें कैसी रहेंगी जिनसे ये साधन बनेंगे जिससे आप खर्चा कर पाएंगे। ऐसा तो नहीं है कि ये आपको लोन लेना पड़े, आप अंडर डेट हो जाएं ये सब चीज़ें करने के लिए। लेट्स सी क्या होता है। जैसे हम देखते हैं कि जनरली आपके सेकंड हाउस में कैंसर राशि है, ये राशि अपने आप में एक फ्लो वाली राशि होती है और उसमें राहु का बैठ जाना आप लोगों के लिए खासतौर पर शुभ है, यानी कि पैसे की आमद को दिखा रहा है। तो हम इसको समझें कि जो आपका प्रोफेशन है, आपका करियर है, जो आप जॉब बिजनेस करते हैं उसमें अगर कैसी स्थितियाँ रहेंगी, तो मैं ये देख पा रहा हूँ कि इसमें आप कुछ नई सोच के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करें। आपकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ सकती है, आप अपनी इच्छा अनुसार जॉब बदलकर किसी बड़ी जॉब को पा सकते हैं। तो कुल मिला के ये दिखाई दे रहा है कि जॉब, जो लोग जॉब करते हैं उनके लिए नई अपॉर्चुनिटीज बनी हुई दिखाई दे रही है और जिसका लाभ आपको मिलने वाला है और इसका लाभ आप जरूर लें। लेकिन जो लोग बिजनेस में हैं उनको मैं कहूँगा कि आपको एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट होना पड़ सकता है, रिलोकेट होना पड़ सकता है, आपको उसके लिए एक्सपेंडिचर करना पड़ सकता है, खर्चे बढ़ाने पड़ सकते हैं और उनको अपने जहाँ पर आप कहाँ उसको आपको उसकी एक्सटेंशन या उसको रेनोवेट करने का आपको ऑर्डर मिल सकता है जो आपको करना चाहिए। हेल्थ एंड सेफ्टी बहुत ज़रूरी है, आप जो ही काम करते रहेंगे तो फिर बात मुश्किल हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपके साथ जुड़ी हुई दिखाई दे रही है। तो खर्चे कहीं ना कहीं बढ़े हुए हैं लेकिन आमदन भी आप लोगों की बनी रहेगी। जो लोग जॉब ढूंढ रहे हैं उनके लिए स्थितियाँ कैसी रहेंगी, तो मैं कहना चाहता हूँ कि जी हाँ बिल्कुल आपके लिए एक अच्छी स्थिति दिखाई दे रही है, यानी कि आप जॉब पाने में, जॉब ढूंढने में कामयाब हो जाएंगे और उसमें आपको लाभ मिलेगा और जॉब भी आपको कहीं आसपास ही मिल जाएगी, बहुत दूर आपको जाना नहीं पड़ेगा। ये बात अलग है कि अगर आप बड़ी कोई जॉब चाहते हैं और दूर जाना चाहते हैं तो आप चले जाएं, लेकिन जनरली कुंडली यही दिखा रही है कि आपको नियर बाई प्लेस में ही कहीं ना कहीं अच्छी जॉब जो है वो मिल जाएगी और धन के साधन मिलेंगे। अगर आपने कोई एप्लीकेशन डाल रखी है किसी चीज़ को के वास्ते तो उसमें भी एक छोटी सी डिले के बाद आपको अप्रूवल मिल जाएगी और आप कामयाब हो जाएंगे। यात्राओं का अगर सिलसिला आपका देखूं, एक्सपेंडिचर जैसे मैं बता दिया कि होगा और इसमें कोई दो राय नहीं है, वहीं अगर मैं यात्राओं का सिलसिला देखूं तो यात्राओं के योग, छोटी छोटी यात्राओं के योग काफ़ी बने हुए हैं आप लोगों के लिए। तो ये यात्राएं आपको करनी होगी और ये बिजनेस से जुड़ी हुई यात्राएं हो सकती हैं, पारिवारिक यात्राएं भी हो सकती हैं, खर्चे का साधन इसमें बना रहेगा। लेकिन कुल मिला के इस महीने में आपको बस यही ध्यान रखना है कि कोई आपका मिसयूज़ ना करे, कोई आपको अब्यूज़ करने की कोशिश ना करे। अगर इस चीज़ को आपने संभाल लिया तो ये एक बहुत ही एक अच्छा महीना आप लोगों के लिए भी साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मिलूंगा आपसे, और जाने से पहले कहूंगा कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और मुझे फेसबुक पर हर बुधवार 8:30 से 9:30 लाइव आप ज्वाइन कर सकते हैं, कोई एक सवाल पूछ सकते हैं। इसी आशा के साथ कि आप इस महीने में पूरा लाभ ले पाएंगे, अपनी स्थितियों को बेहतर बना पाएंगे, मिलूंगा आपसे और बात करूंगा आपसे आपके जून महीने के राशिफल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।